प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की, हालेलुया। मैं पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि जिसने ये दिन दिखाया है और आगे भी दिखाए, हालेलुया। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ, प्रभु धन्यवाद करते हैं। मैं पास्टर राजा मसीह यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री से आप सभी का स्वागत करते हैं और परमेश्वर पिता से धन्यवाद करते हैं कि अभी तक संभाला है वैसे ही आगे भी संभालो, हालेलुया। साल के 6 महीने बीत चुके हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, यानी कि आधा साल बीत चुका है। हम सब जानते हैं कि आधे साल में क्या क्या हम सब ने देखा है ना, इसमें हम वाकिफ है और आधा साल बाकी है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु इन सालों में, इन महीनों में हम सबकी रक्षा करें, सभी को सुरक्षा दे और इस बीमारी महामारी से आज़ाद करें, हालेलुया। जुलाई का महीना लग गया है, क्योंकि जब ये आपको वीडियो मिलेगी तो जुलाई का महीना लग चुका होगा। और जो प्रभु ने मुझे प्लानिंग बताई, जो प्रभु ने मुझे बात बताई जुलाई के महीने के लिए, मैं फिर कहता हूँ बिना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये वीडियो, ये संदेश आप तक आ ही नहीं सकते, मैं भी नहीं आ सकता। मैं जो यहाँ बैठ के आपके सामने बोल रहा हूँ, ये मेरी मर्जी, मेरी दिमाग की उपज नहीं, ये जीवते परमेश्वर का वरदान है जो अनुग्रह से मिला है। और मैं खुद हैरान और रहता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह वाक्य में इतना बड़ा है, हम सोच ही नहीं सकते। वह अनुग्रह मुझ पर हुआ, वही अनुग्रह आप पर हुआ। कभी ये इंसान जो किसी की ABCD नहीं जानता था बाइबल क्या है, आज प्रभु का आत्मा के द्वारा, सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये मनुष्य परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर आप तक पहुंचाता है। मेरी कोई भी अपनी उपज या अपना नहीं होता, केवल परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हाँ, वो बोलता है, मैं आपसे बात करता हूँ। मुझे भी अजीब लगता है, प्रभु तू क्या बोल रहा है, ये कैसे होगा, क्या लोग मानेंगे? लेकिन वही परमेश्वर मुझसे कहते हैं, तो यीशु मसीह कहते हैं, तो मेरी सेवा कर रहा है लोगों की, तो जाहिर सी बातें मुझे बोलना पड़ता है और उसका प्रूफ भी मुझे दिखता है। तो आप सभी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। और जुलाई के महीने का जो प्रभु ने मुझे शिक्षा दिया है, जो वचन दिया, मैंने इस वचन को 3-4 बार पढ़ा आत्मा के द्वारा। जब मैंने उसको पढ़ा और परमेश्वर प्रभु बोल तो इस वचन के द्वारा क्या बताना चाह रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं क्या बोलूँ लोगों से कि आपके लिए परमेश्वर क्या संदेश है, मैं क्या बोलूं? पढ़ते पढ़ते पवित्र आत्मा का स्वागत है, पवित्र आत्मा जब बोलती है, बोलता है परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, तो हम और आप सिर्फ सुनते हैं। मेरे भाई, मेरे बहनों, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूँ, जब भी कोई संदेश वॉइस रिकॉर्ड पे, प्रार्थना कहीं भी आप तक पहुँचती है यूट्यूब पे, तो उसका आदर करना है हम सबको, आपको। अगर हम आदर नहीं करेंगे, हमारी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। हम विश्वास नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं है। परमेश्वर ने मुझे इसी टॉपिक पे वचन दिया। वचन क्या दिया, आप सुने, खुद सुने। पहले हम प्रार्थना करेंगे और फिर वचन पढ़ेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस पूरी मीटिंग को पे हाथ में लेना, मेरा बोलना तेरा बोलना, सुनने वाले शैतान के कानों को बंद ना कर सके और इनके जीवन में आज जो ये सुनेंगे वो काम हो सके जो अभी तक नहीं हो पाया। और मैं जानता हूँ आप ऐसा करोगे, और यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। निकालेंगे मेरे साथ, बिना वचन के भविष्यवाणी नहीं होती, बिना वचन के प्रोफेसी नहीं की जाती, बाइबल ही है सब कुछ। और जो बाइबल में लिखा है मैं वही बताता हूँ, सिर्फ विश्वास करने वालों की ही कदर है। हम विश्वास करें, परमेश्वर की प्रार्थना सुनेगा, और जो विश्वास नहीं है वो उल्टे फिर जाएंगे, याद रखना। यूहन्ना 6 प्रभु ने मुझे दिया, यूहन्ना 6 दिया और उसका मैंने 60 अध्याय से पढ़ना शुरू करा। ये परमेश्वर का पैगाम मुझ पर पहुँचा, लिखा हुआ टाइटल अनंत जीवन का वचन, अनंत जीवन के वचन। अनंत जीवन के वचन कोई हासिल नहीं करता, कोई ग्रहण नहीं करता, क्योंकि सबको अलग वचन सुनने की आदत है, लेकिन जो अनंत जीवन के वचन है वो नहीं सुनना चाहता। पाप से छुटकारा नहीं चाहिए, आज प्रभु आपको पाप से छुटकारा भी देगा, अनंत जीवन के वचन देगा। जो वचन प्रभु ने दिया वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जुलाई का महीने में जो विश्वास है आपका, वही आपको ऊंचा उठाएगा। बेशक आज आपके राय के मकान पे परमेश्वर को ब्लेस करेगा अपने मकान में, बेशक आज आप पे नौकरी नहीं है, पर वो आपको ब्लेस करेगा विश्वास के द्वारा। और विश्वास नहीं है वो लोग उल्टे फिर जाएंगे। अनंत जीवन की जो खोजी है, परमेश्वर उसे अनंत जीवन देगा, सभी लोग को। हमारा प्रभु अनंत जीवन का ही देने आया था, लिखा है इस शब्दों में, गौर करेंगे हम एक एक शब्दों में वचन के लिए। उसके चेलों में से बहुत ने ये सुनकर कहा, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है?
यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुकड़ाते हैं, उससे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखो तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। आत्मा पे मन लगाना है हमें, हालेलुया। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर होली है। शरीर पे मन लगाना मरने के समान है। क्या लिखा है कि आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वह आत्मा है और जीवन भी है। अपने पाप को छोड़ो, प्रभु यीशु मसीह का उद्धार करते को ग्रहण करो, पुरानी दुनिया को छोड़ के आओ, यीशु मसीह को अंगीकार के साथ एक्सेप्ट करो, अपने पापों से प्राशित करो, यह है असली जीवन। ठीक है, उसके बाद परमेश्वर कहता है मेरी राजी खोज कर तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। हम पहले कोठी बंगला मकान जायदाद धन दौलत ये मांगते, अनंत जीवन तो मांगते नहीं। किसी से कहता तो भाई अनंत जीवन लेगा, परमेश्वर का उद्धार लेगा, ये लेगा तो कहेगा मुझे कोठी बंगला दे दे, अनंत जीवन तो मैं बाद में लिख लूंगा। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है अनंत जीवन के बारिश होने वाले। क्या लिखा है? परंतु तुम में से ऐसे है जो विश्वास नहीं करते। तुम में से, अगर हम में से कोई विश्वास नहीं करने वाला है तो कभी भी आश्रय क्रम को नहीं देख पाएगा। यीशु मसीह खुद खुदा है, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, फिर भी चंगाई देने का श्रेय पर यीशु मसीह ने क्या बोला हर किसी को? तेरे विश्वास ने चंगाई दी, तेरे जैसा विश्वास है वैसी हो, तेरे विश्वास के अनुसार हो, तेरा विश्वास बड़ा है बेटी, तेरे विश्वास ने चंगाई दी। आज हम विश्वास ही नहीं करते, हम दासों पे विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन दासों से बढ़कर यीशु मसीह के वचन पे विश्वास कर मेरे भाई मेरी बहन, तब उद्धार पाएंगे। मेरे पे विश्वास मत करो, मैं नहीं कहता मेरे पे विश्वास करो, इस बाइबल पे विश्वास कर लो तो जुलाई के महीने में वो काम देखोगे विश्वास से जो अभी तक नहीं देख पाए। हम क्या कहते हैं, प्रभु दास ने कहा था वो तो हुआ नहीं, हम पूरा डिपेंड हो जाते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर ने कह दिया एक पेशेंट से, भाई तू ठीक होने वाला है, दो तीन दिन तीन दिन मत, तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर को उसकी रिपोर्ट पता थी कि तीन में ठीक छुट्टी मिल जाएगी। अब वो खुश हो गया, उन्होंने कहा तीन दिन में जब छुट्टी मिल रही है मुझे, डॉक्टर ने कह दिया है तो कुछ भी खाओ कुछ भी पियो। अपने दोस्तों को उसने पीने लगा, खाने लगा, बीमार पड़ गया, लंबा बीमार हो गया। डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब आपने तो तीन दिन कहा था, इधर एक हफ्ता हो गया। डॉक्टर डांट के कहता है, बेटा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि तू मेरे बातों को मान रहा था, दवाई चल रही थी, ये नहीं है डॉक्टर ने कहते तो ठीक हो जा, ये प्रेस चलता हम प्रेस तोड़ देते हैं यीशु मसीह का। अरे प्रभु के दास ने कह दिया अब क्या प्रार्थना की जरूरत है, अब तो ब्लेसिंग अपने आप आएगी, अब चर्च जान चुके कह दिया पाप भी करो कुछ भी करो, ऐसा नहीं है। ब्लेसिंग तभी आएगी जब आप प्रवचन को मानोगे, विश्वास करोगे, तब परमेश्वर आपकी सुनेगा। आज जुलाई के महीने में विश्वास का खेल है, जैसा विश्वास वैसी होगा। बहुत से लोग उल्टे फिर गए, विश्वास ना होने के कारण हम उल्टे फिर जाते हैं। लिखा है, अब मैं पढ़ूंगा 66 से, यमुना 6:66। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। हो सकता है आप भी फिर जाओ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान परमेश्वर से फिरे। ये आपके लिए वचन है मेरी बहन, आपके लिए। आपके पति छोड़ के चला गया, आपकी में दुख है, संकट है, पत्नी नहीं आ रही, आज 1 साल से पट का टाइम हो गया, आज 11 महीने हो गए, आज 10 महीने हो गए, आपके संतान नहीं हो रही, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव है आपके लाइफ में, चंगाई नहीं मिली, सब पास्टर कहते हैं सब दुआ हो रही फिर भी चंगाई नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, शादी नहीं हो रही, मकान नहीं बन पा रहा, आशीष नहीं आ रही, प्रार्थना करके थक गए, सब कुछ हो रहा है, लेकिन विश्वास कर तो तू तेरा घर उद्धार पाएगा। आगे बचने के लिखा है, तब यीशु ने उन 12 से कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? अब सुनना पत्रस ने क्या कहा, इस वचन को सुनना। शैमोन पत्रस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास। हम यीशु मसीह को छोड़ के कहाँ जाए, हम बड़ी जल्दी छोड़ने का फैसला करते हैं। आज जितने लोग छोड़ के चले गए वो दोबारा आए यीशु मसीह के नाम है, और जितने लोग फैसला कर चुके हैं कि अब मैं जुलाई में यीशु मसीह को छोड़ दूंगा, चर्च छोड़ दूंगा, प्रार्थना छोड़ दूंगा, वही गलती ना करें। अनंत जीवन की बातें तो उसी के पास है, झूठी बातें नहीं रखता हमारा प्रभु यीशु मसीह, सच्ची बात, सच्ची और साफ और क्लियर, मुंह देखा न्याय नहीं करता, जो है वो साफ कहता है।
चाहे वो मेरी गलती हो चाहे आपकी हो, वो क्लियर कहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसको छोड़ के कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ फैसला कर लिया हमने? आपको चंगाई नहीं मिली इसलिए जा रहे हो? आपके पास संतान नहीं इसलिए छोड़ के जा रहे हो? आपके पति नहीं आया इसलिए जा रहे हो? आपकी पत्नी नहीं आई इसलिए जा रहे हो? आपके बच्चे नहीं सुधर रहे इसलिए जा रहे हो? मकान नहीं बन पाया, शादी नहीं हो पाई, आपको काम नहीं हो पाया इसलिए जा रहे हो? कहाँ जाओगे? अनंत जीवन की वारिस तो परमेश्वर के पास, अनंत जीवन की बातें तो परमेश्वर के पास है, उद्धारकर्ता तो हमारा वही है, पापों की क्षमा तो उसके पास है, सब कुछ तो उसके पास है। कहाँ जाओगे उसको छोड़कर? ना जाओ, विश्वास करो, वो देगा, जरूर देगा। अब्राहम तो परमेश्वर के साथ चलता था, फिर भी वो विश्वास से धर्मी ठहरा और 100 साल की उम्र में संतान हुई, सारा के 90 साल। क्या वो परमेश्वर को छोड़ नहीं सकता था? छोड़ सकता था ना, लेकिन नहीं छोड़। क्या जकरिया एलिजाबा परमेश्वर को छोड़ नहीं सकते थे? वो प्रतिदिन परमेश्वर के पास प्रार्थना करते थे। क्या अय्यूब परमेश्वर को छोड़ नहीं सकता था? सब कुछ चला गया, कहाँ जाएगा छोड़कर? अनंत जीवन तो परमेश्वर का ही है। क्या लिखा है? शमौन पत्रस ने उत्तर दिया, हे प्रभु हम उस जिस किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया है और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू है। अब जो ये विश्वास कर लेगा, परमेश्वर का जन प्रभु यीशु मसीह है, हमारा उद्धार करता है, अनंत जीवन है, वो कभी नहीं जा सकता। मैं भी तो परमेश्वर का अनंत जीवन को देख के आया हूँ, मुझे माफ़ किया, उसकी क्षमा देखी है मैंने, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जीवन देता है। लेकिन मैं अभी कहूँ प्रभु मुझे मकान नहीं, शादी नहीं, और ये कहूँ मेरा अनंत जीवन का नाता है उससे, उससे मेरे पापों को माफ़ करके मेरे पे उपकार कर, उसने मुझे एक कीचड़ से निकाल कर अपने तख्त पे बिठा दिया, घूरे से उठाया, यीशु ने मुझको आपको बिठाएगा। ये है अनंत जीवन। आज खुश रहता हूँ, आनंद रहता हूँ, क्यों? क्योंकि अनंत जीवन है, उपकार को नहीं भूलता। क्या बीमारी मेरे पास है? क्या तकलीफ मेरी पूजी नहीं होती? क्या सब कुछ नहीं होता? लेकिन नहीं, मैं अनंत जीवन को चख चुका। आज बड़े आराम से परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, उसको उपकार जब मैं देखता हूँ कि कैसा था और कैसा हो गया मैं, तभी वही कह सकता है कि हम तेरे पास से कहाँ जाए, अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू। आज जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन का वारिस होगा, और जो विश्वास करेगा उद्धार पाएगा, परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा। और जितनी भविष्यवाणी आपके लाइफ में होती है, मैं फिर भी कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, भविष्यवाणी का पूरा होने का आधार हमारी जुबान है। रिसीव इन जीजस नेम, प्रभु ये भविष्यवाणी मेरे लिए है। आज भाई ने जो बोला, तेरे दास ने जो बोला, वो मेरे लिए बोला। बेशक बीते दिन नहीं देख रहा मैं, हो सकता है सब नेगेटिव हुआ हो मेरे साथ, हो सकता है 50 भविष्यवाणी नहीं हुई हो मेरे लिए, फेल हो गई हो, लेकिन पूरी जरूर होगी, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि अनंत जीवन तो तेरे पास है, परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं फिर प्रभु जी तेरे सम्मुख आता हूँ पिता, इस प्रार्थना को लेकर पिता, पूरी मीटिंग को तुमने अपने हाथ में लिया पिता परमेश्वर। वाक्य में जो विश्वास कर रहे हैं तेरे बेटे बेटी, हमारे भाई बहन, हमारा परिवार, वो अनंत जीवन के वारिस होंगे पिता। और इनके जीवन में जो अभी तक दुख चला रहा है, मैं विश्वास करता हूँ, और ये विश्वास से रिसीव कर रहे हैं पिता, विश्वास का ही है सब कुछ। तो प्रभु आज आप बोल दो इन सब से कि बेटा तेरे विश्वास ने चंगाई दी, बेटा तेरे विश्वास ने तुझे गर्भ धारण करा, विश्वास से तू संतान को जनेगी, विश्वास से तेरे तुझे ब्लेसिंग मिलेगी, विश्वास से तेरे खोए भी आएंगे, तेरे विश्वास बड़ा है, जैसे तेरा विश्वास हो वैसे हो। आप बोल दो पिता, और आपने बोल दिया है, एक एक विश्वास करने वालों का आज जीवन परिवर्तन होगा। हालेलुया। पाप से छुटकारा, गरीबी से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, कलेश से छुटकारा, जुदाई होने से छुटकारा, अलग होने से छुटकारा, निसंतान के शाप से छुटकारा, बंधन से छुटकारा, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा, जैसा इन सब का विश्वास वैसा आप कार्य करोगे, क्योंकि अनंत जीवन तो आपके पास है, तुझसे दूर होकर कहाँ जाएंगे। आज आपने इनको अनंत जीवन भी दिया, बहुत ऐसे दिया, क्योंकि जीवन आपके पास बहुत ऐसे है, आप जीवन देना है, बहुत ऐत का देने आए पिता। हर एक विश्वास के साथ जो रिसीव कर रहा है भविष्यवाणी को, तो आज जुलाई के महीने में आज अपनी आंखों से ये विश्वास की कदर करे, और विश्वास के द्वारा ये उद्धार पाए, पाप से छुटकारा, हर चीज़ से छुटकारा। तूने हमारी प्रार्थना सुनी, मैं तो धन्यवाद करता हूँ। और जितने उल्टे फिर गए, यानी कि तुझे छोड़ के चले गए, वो वापिस आ सके, और जो तुझे छोड़ने का
शैतानी हरबे इनके दिमाग में आ चुके हैं, वो सब कैंसिल हो जाए। पिता मैंने तुझे देखा है, मैंने तुझे चखा है, मैंने तेरी क्षमा को देखा है, आज इनको भी दिखा दे कि अनंत जीवन क्या होता है। पिता तूने मेरे मन को बदला, मुझे बदला, वैसे हर एक भाई बहन को बदल दे और इनके जीवन के दुख संकट परेशान को दूर कर दे। तो ये करने जा रहा है, मैं तो धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बहनों, याद रखना ये जुलाई का महीना विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, फैसला आपको है। आप मैं तो नहीं कहूँगा आप छोड़ के जाओ, बल्कि परमेश्वर के पास सब कुछ है, अनंत जीवन तो उसी के पास है, इससे बड़ी क्या चीज़ हमें मिली। परमेश्वर पिता आपको आशीष करें, बरकत दें, और जैसा जिसका विश्वास गारंटी दे रहा हूँ, मैं प्रभु का दास होने के नाते पूरी तरह आपसे शो करता हूँ इस बात को, जैसा आपका विश्वास आज वो आपके लिए होगा, और ये बात आप मुझे खुद बताओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जय मसीह।